ये क्या होगा हाइब्रिडेशन, इसकी sp2 है और ये क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव, इट विल बी पोलर, ये कैंसिल नहीं होंगे पूरा क्योंकि ऊपर लोन पेयर है नीचे सी एल है, तो ये पोलर है। ऐसे पी बी आर थ्री, ये पोलर होगा, निकाल के देख लेंगे इसको भी, बी आर बी आर बी आर, तो ये ऊपर लोन पेयर, ये डायरेक्शन ये डायरेक्शन ये डायरेक्शन, ये ऊपर कैंसिल नहीं होगा, इट विल बी पोलर, ये भी पोलर ये भी पोलर। ऐसे ही सी ओ सी एल टू निकालेंगे, सी ओ सी एल टू डबल बॉन्ड ओ सी एल सी एल, तो इसमें ऊपर की तरफ डायरेक्शन, इधर सी एल नीचे, इधर सी एल नीचे, तो ये भी यहाँ पे डायरेक्शन आएगी, ऊपर डबल बॉन्ड ओ है नीचे सी एल है, तो ये भी क्या आएगा पोलर, कैंसिल नहीं होंगे इसमें भी। नेक्स्ट एस ओ सी एल टू थायरॉइड क्लोराइड, ये फॉस्जीन गैस थी, दिस वॉज फॉस्जीन गैस, याद रखना ये हाईली पॉइजनस गैस होती है फॉस्जीन, क्लोरोफॉर्म जब सनलाइट और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है तो ये गैस बनती है फॉस्जीन गैस। फिर नेक्स्ट है थायरॉइड क्लोराइड, ये भी इंपॉर्टेंट है थायरॉइड क्लोराइड, इसमें ये क्या आ जाएगा लोन पेयर आ जाएगा, तो सी एल सी एल, तो ये तो कैंसिल हो ही नहीं सकते डाइपोल्स, तो ये भी पोलर आएगा लोन पेयर की वजह से। इसमें सी एच टू सी एल टू, सी एच टू सी एल टू भी पोलर है, इसको मैं आगे प्रूव करूंगा अभी, क्योंकि इसमें कैंसिल नहीं होगा, सारे एंगल्स कितने होते हैं इसके अंदर सी एल सी एल, सारे एंगल्स कितने हैं इसमें 109 डिग्री 28 मिनट्स के, ये भी पोलर होता है ध्यान रखना इस चीज़ का, दिस इज पोलर नॉट नॉन पोलर, क्योंकि ये 3D में है फिगर, अगर ये प्लेनर होती फिगर जैसे एक्स सी एफ फोर की होती है, अगर सी फोर की होती है एक्स सी एफ फोर होता अगर, तो ये क्या होता है ये प्लेनर है, डी एस पी टू हाइब्रिडेशन होती है इसकी, और सॉरी एस पी थ्री डी टू हाइब्रिडेशन होती है ऊपर लोन पे ओपन, ये इसमें कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसमें कैंसिल नहीं होगा सी एच टू सी एल टू के अंदर। नेक्स्ट आया पी सी एल थ्री एफ टू, पी सी एल थ्री एफ टू, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पी सी एल जो एफ है वो हमेशा एक्सियल, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है इट ऑलवेज ऑक्यूपाइज एक्सियल पोजीशन, ये ध्यान रखना इस चीज़ का, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑलवेज ऑक्यूपाइज एक्सियल पोजीशन, तो क्या हो जाएगा इसमें, अब ये तो प्लेनर वाले कैंसिल, एफ एफ कैंसिल, प्लेनर वाले ये डायरेक्शन इधर ये डायरेक्शन इधर ये डायरेक्शन इधर, तो ये नेट इधर कैंसिल नहीं हो, इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो म्यूज़ का भी जीरो आएगा, ये नॉन पोलर, ये नॉन पोलर, ये पोलर, ये पोलर, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड, इसका नाम क्या है थायोनिल क्लोराइड, टी एच आई ओ एन वाई एल थायोनिल क्लोराइड, ये भी बहुत यूज़ होगा। नेक्स्ट आ गया पी सी एल टू एफ थ्री, पी सी एल टू एफ थ्री, बस एक यहाँ से हटा देंगे हम सी एल को, सी एल हटा दिया हमने यहाँ से एक, और यहाँ पे क्या लग जाएगा एफ लग जाएगा, क्योंकि एफ बाकी दो पहले दो एफ कहाँ आएंगे एक्सियल पोजीशन पे, फिर तीसरा एफ तो इक्वेटोरियल पे आना ही है, तो इस केस में अब ये क्या हो जाएगा पोलर हो जाएगा, क्योंकि सारे कैंसिल नहीं होंगे, तो ये दिस इज पोलर, इसलिए दोनों दिए थे। ओ एफ टू, ओ एफ टू क्या होगा, ओ एफ टू इट विल बी पोलर, एच टू ओ की तरह ना, ये ओ एच एच एफ एफ ओ एफ एफ, तो ये इसमें लोन पे ना ऊपर, देयरफॉर इट विल ऑल्सो बी पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेट नीचे नेट ऊपर, तो ये भी पोलर होगा, इट विल बी पोलर। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, टफ नहीं है क्वेश्चन, ये आने चाहिए सबको, तो पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी पता लगाने के लिए हम देख सकते हैं इस तरीके से, नोट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाएगा इसमें अब तो ये पोलैरिटी पता लगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ध्यान देंगे इधर, जैसे अगर मेरे को पता लगाना है एच इसमें से, इसमें सेलेक्ट करना है एक्स ई ओ एफ टू एक्स सी ओ एफ फोर एक्स सी ओ टू एफ टू एक्स सी ओ थ्री एफ टू एक्स ई ओ थ्री, तो ये पोलर है कि नॉन पोलर है, इसमें मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, कुछ पता होना चाहिए, जैसे एक्स सी ओ एफ टू था एक्स सी ओ एफ टू, तो एक्स सी ओ एफ टू में एफ आ गया एक्सियल पे, थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, टी शेप होगी इसकी, डबल बॉन्ड वो नीचे और लोन पेयर लोन पेयर, तो इसमें कैंसिल तो होना ही नहीं है, ये इधर ये थोड़ा सा इधर, तो कैंसिल नहीं होंगे दोनों ये, और ये नीचे ये लोन पेयर के से ऊपर, तो ये भी कैंसिल नहीं होगा, देयरफॉर इट विल बी ये क्या हो जाएगा पोलर होगा, ये पोलर है, ऐसे ही बाकी सारे निकालेंगे, ये पोलर है ये भी पोलर आएगा, और एक्स सी ओ टू एफ टू भी पोलर आएगा, एक्स सी ओ थ्री एफ टू ये नॉन पोलर आएगा, एफ एफ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, तो ये इन दोनों का नेट, दोनों डबल बॉन्ड ओ जो है, दोनों डबल बॉन्ड ओ जो है, ये डबल बॉन्ड ओ ये डबल बॉन्ड ओ, दोनों का नेट रिजल्टेंट इधर आएगा और ऊपर वाले का ऊपर आएगा, और एफ का इस साइड ये इस साइड, तो कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी नॉन पोलर, ये नॉन पोलर, एक्स सी ओ थ्री एक्स ई ओ थ्री, ध्यान रखना जेनॉन का ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड, जेनॉन का ऑक्सीजन के कंपाउंड क्या होता है हमेशा अनस्टेबल होता है, एंडोथर्मिक होता है, ये याद रखना, एक्स सी ओ थ्री ये एक्सप्लोजिव कंपाउंड होता है, स्टेबल है एग्जिस्ट करता है ये, लेकिन ये एक्सप्लोजिव कंपाउंड होता है। तो इसमें डायरेक्शन क्या आ जाएंगी, ये ऊपर लोन पेयर है, तो इसमें अगर डायरेक्शन देखें तो लोन पेयर के से ऊपर डायरेक्शन, ये इधर डायरेक्शन, ये इधर डायरेक्शन, ये इधर डायरेक्शन, नेट डायरेक्शन नीचे नेट ऊपर, लेकिन दोनों कैंसिल नहीं होंगे, तो इसलिए ये भी पोलर होगा, क्लियर, दिस विल बी पोलर, ये पोलर होगा। तो इस तरह से निकालना आना चाहिए कि कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है, फिर कोई बात नहीं है। नेक्स्ट नोट करेंगे इसमें आगे,
नेक्स्ट अब जैसे एग्जांपल्स इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जांपल, जैसे अगर मैंने दिया CH3F CH3Cl CH3Br CH3I, इसको अरेंज करना डाइपोल मोमेंट में, इसको अरेंज करना डाइपोल मोमेंट में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 1A मान लिया, 2A मान लिया, 3A मान लिया, 4A मान लिया, तो इस केस में डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा? इस केस में अब होना चाहिए यही CH3F सबसे ज़्यादा, फिर CH3Cl, फिर CH3Br, फिर CH3I, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है आंसर, आंसर है इसमें 2, फिर 1, फिर 3, फिर 4, यानी CH3Cl जो है, CH3Cl जो है इट इज़ मोस्ट पोलर, डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा इसकी है। रीज़न क्यों डबल, क्यों डाइपोल मोमेंट ज़्यादा इसकी, मैंने बताया था एक्सेप्शनल केस है, दिस इज द ओनली केस इन विच CCl डिस्टेंस ज़्यादा होगा, म्यू क्या होता है क्यू इंटू डी, तो इस केस में हम डिस्टेंस देखते हैं, क्या देखते हैं इसमें डिस्टेंस इज ओवर पावरिंग चार्ज, डिस्टेंस कर रहा है ओवर पावर चार्ज को, तो आंसर आ जाएगा पहले CH3Cl, फिर CH3F, फिर CH3Br, फिर CH3I, तो ये इंपॉर्टेंट केस था, ये ध्यान रख लेना इसको सही। तो नेक्स्ट हम नोट करेंगे आगे, नेक्स्ट नोट करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे अगर दिया मैंने H2O, H2S, H2SE, H2TE, इसको अरेंज करना है, तो इसमें भी सिंपल आ जाएगा, पोलैरिटी ज़्यादा किसकी है H2O की, फिर H2O आएगा, फिर H2S, सिंपल था आंसर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, H2O पहले ज़्यादा होगा, फिर H2S होगा, फिर H2SE होगा, फिर H2TE होगा, फिर H2TE आ जाएगा, तो ऑर्डर ही आएगा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ऑल आर पोलर, सब पोलर होंगे इसके अंदर। नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंट केस इसके अंदर HF, HCl, HBr, HI हम पहले ले चुके हैं, अब लिया मान लो मैंने ये NH3, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, NH3, PH3, ASH3, SBH3, फिर BIH3 भी होता है, इनको ले लिया मान लीजिए, ये ले लिया, तो इस केस में अगर मैं कहूँ ना बॉन्ड पोलैरिटी में अरेंज करना है, से बॉन्ड पोलैरिटी अगर इसमें अरेंज करना है बॉन्ड पोलैरिटी में, तो बॉन्ड पोलैरिटी इसमें ध्यान देंगे, इसमें N जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अप्रॉक्सीमेटली 3, P की 2.1, ये मैंने पहले बताया हुआ है, और AS की 1.8 के आसपास, और SB की 1.7 के आसपास, ये अप्रॉक्सीमेट मैंने बता दिया है, ये पोलैरिटीज़ होती है, तो बॉन्ड पोलैरिटी के लिए N और H का इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस, N और H का डिफरेंस कितना आएगा, NH की इलेक्ट्रॉनिकिटी तो 2.1, तो NH की कितनी आ जाएगी, N और H की 0.9, और P और H की कितनी आ जाएगी 2.1 है, और 2.1 इसकी है 2.1, तो अप्रॉक्सीमेटली क्या आ जाएगी 0, और AS और H की कितनी आ जाएगी 0.3 के आसपास, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, SB और H की कितनी आ जाएगी 0.4 के आसपास, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड पोलर किसका होगा, NH का, NH बॉन्ड सबसे ज़्यादा पोलर, उसके बाद आएगा SBH, ये ध्यान रखना ये गलती हो जाती है, SBH का बॉन्ड पोलर, फिर आएगा ASH का, लीस्ट पोलर विल बी ऑफ PH, लेकिन अगर इसमें मैं कहूँ पोलैरिटी में अरेंज करना है इन हाइड्राइड्स को, क्लियर, इफ़ वी हैव टू अरेंज पोलैरिटी ऑफ दीज हाइड्राइड्स, तो उस केस में हम पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे इसके अंदर NH3, ऑर्डर इसमें यही आएगा, इसमें ऑर्डर चेंज नहीं है, लेकिन बॉन्ड पोलैरिटी अगर पूछ लिया तो ये आंसर आएगा, इसमें आंसर आ जाएगा NH3, ध्यान देंगे इधर, जैसे NH3 अगर मैं बना रहा हूँ NHH3, तो ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन, ये ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, सबसे ज़्यादा पोलर, फिर अगर मैं बताऊँ PH3, तो इसमें ये ऊपर हल्का कम होगा, क्यों कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो था, तो इसका पोलैरिटी थोड़ी कम हो जाएगी, ये लोन पेयर को इतना सपोर्ट नहीं करेगा, इधर लोन पेयर को जो यहाँ पे पोलर बॉन्ड है NH वाला, ये ज़्यादा सपोर्ट करेगा इसको, फिर आया ASH3 के अंदर, अब इसमें तो नीचे की तरफ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब H ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, AS मेटलॉइड में काउंट होता है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसमें थोड़ा कम करेगा इसको, और SB वाले में इसमें तो और लोन पेयर की वजह से ऊपर है, इसमें तो और कम करेगा, इसलिए
ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी ये सेम है, यही है, लेकिन जो बॉन्ड पोलैरिटी की बात करेंगे वही आएगा आंसर। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना एनएसटी वाला, आंसर वही है, आंसर में कोई चेंज नहीं है, लेकिन वैसे इंपॉर्टेंट है कि बॉन्ड पोलैरिटी पूछ लेगा तो ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट अगर नोट करेंगे इसके अंदर, नेक्स्ट अब जैसे अगर आता है सपोज ये केसेस ले लिए, सपोज जैसे CH3NO2 CH3ONO विच इज़ मोर पोलर, तो ये बस थोड़े से ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, पता होने चाहिए आंसर इसके। CH3NO2 अगर है एन डबल बॉन्ड हो ये इस साइड, CH3ONO ये थोड़ा सा टिल्ट होगा लोन पेयर होते हैं, एन डबल बॉन्ड हो तो इनमें डायरेक्शन अगर हम देखें तो डायरेक्शन इसमें इधर, ये इधर होगी डायरेक्शन, ये एन पॉजिटिव होगा ओ के रेस्पेक्ट में तो इधर डायरेक्शन, और CH3 की इधर डायरेक्शन, तो सारी डायरेक्शन चेंज है लोन पेयर की वजह से, यहाँ डायरेक्शन होगी, तो इसमें क्या है, इसमें ये डायरेक्शन इधर, ये डायरेक्शन इधर और CH3 की डायरेक्शन इधर, तो नेट क्या होगा, बढ़ेगी डेवलपमेंट, तो CH3NO2 इज मोर पोलर, CH3NO2 ज़्यादा पोलर होगा CH3ONO के। ऐसे ही CH3CN आता है तो CH3CN इज मोर पोलर देन CH3NC, CH3NC ये इसमें कुछ ऐसे हो जाता है कि इसमें डायरेक्शन CH3 पॉजिटिव है, सी कार्बन SP है तो इधर डायरेक्शन, N तो है होता ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इधर डायरेक्शन, तो नेट बढ़ रही है, इसमें CH3 वैसे डायरेक्शन इधर, N ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डायरेक्शन इधर, तो कुछ कैंसिल होती है, इसलिए CH3CN इज मोर पोलर देन CH3NC। तो ये दो केसेस ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आ गया जैसे और डाइपोल मोमेंट के केसेस, जैसे अगर मैं सिस ट्रांस, मैंने लास्ट टाइम बताया था सिस ट्रांस वगैरह लें तो CH3CH डबल बॉन्ड CH3H और ट्रांस ले लें इसी का CH3CH डबल बॉन्ड CH3 ये ले लें, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में डायरेक्शन इसमें ये इधर पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो नेट ये बढ़ेगा इधर भी इधर, ये इधर कैंसिल, तो CH3 से H कैंसिल तो होना नहीं है, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज़ पोलर, और इसमें म्यू क्या आ जाएगा, जीरो, ये बताया था लास्ट में ट्रांस, ये सिस था और ये ट्रांस, आइडेंटिकल ग्रुप्स अगर सेम साइड पे हैं, आइडेंटिकल ग्रुप्स अगर सेम साइड पे हैं तो क्या बोलते हैं, सिस, आइडेंटिकल ग्रुप्स अगर अपोजिट साइड हैं तो क्या बोलेंगे, ट्रांस, तो ये इसमें ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर कैंसिल हो जाएगा, तो ये म्यू जीरो और ये नॉन पोलर, और CH3 ये क्या हो जाएगा, पोलर, ये हमारा पोलर हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, ये इसके अंदर ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब जैसे अगर मैं Cl ले लूँ इसी जगह, Cl ले लिया ClCH डबल बॉन्ड CHCl ये लिया ट्रांस, ट्रांस और ये ले लिया इसके साथ C डबल बॉन्ड ClH ये ले लिया सिस, तो इस केस में अब ये फिर डायरेक्शन इधर पॉजिटिव से पॉजिटिव ये नेगेटिव ये सी एल नेगेटिव होगा, सी एल नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन इधर एच से इधर ये इधर, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ट्रांस की डायपोलमेंट तो अगर सिमेट्रिकल है तो जीरो होती है, तो जीरो होगी इस केस में, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये पोलर हो जाएगा, समझ आएगा कि नहीं, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट केसेस हैं। नेक्स्ट अगर मैं इसी में लेता हूँ आगे, इसी में ले लिया अगर मैंने, जैसे अब एक CH3 और एक CL भी ले लिया डबल बॉन्ड के साथ, H डबल बॉन्ड CHCl एक ये ले लिया और एक लिया CH3CH डबल बॉन्ड CCl और H। अब इस केस में क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट केस है बहुत, इसमें Cl की तरफ डायरेक्शन, इधर CH3 की डायरेक्शन, दोनों की सेम डायरेक्शन है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, दोनों क्या हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए म्यू बहुत ज़्यादा होगा इसका, म्यू उसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और क्या कहते हैं, इस केस में क्या होगा, ये डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव इधर होगी, Cl की डायरेक्शन इधर होगी, तो ये एग्जैक्टली 180 पे नहीं है, 180 डिग्री पे नहीं है डायरेक्शन, इसमें तो पूरा एक ही डायरेक्शन में थे, जीरो डिग्री में थे, इसलिए इसकी जो इसमें ट्रांस है इसकी डायपोलमोमेंट ज़्यादा होगी, म्यू ट्रांस इसके अंदर ग्रेटर होगा, म्यू ट्रांस जो होगा वो ज़्यादा होगा, म्यू ट्रांस विल बी ग्रेटर देन
म्यूसिस, म्यूसिस तो ये इसके अंदर ध्यान रखना, म्यू ट्रांस ज़्यादा होगा सिस से, तो ये स्पेशल केस है जिसमें ट्रांस की डायपोल ज़्यादा हुई है सिस से। तो एक क्योंकि एक ग्रुप क्या था डोनेट कर रहा था, दूसरा ग्रुप क्या कर रहा था विड्रॉ कर रहा था, इसलिए डायरेक्शन सेम हो गई तो डायपोल बढ़ जाती है। इसी वजह से ये स्पेशल केस है जिसमें बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा ट्रांस का, बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर, मेल्टिंग पॉइंट तो इसका ग्रेटर ही होता है, तो सॉलिबिलिटी भी कुछ ज़्यादा हो जाएगी इसकी, इसलिए ये सारी टर्म्स इसकी ट्रांस की ज़्यादा होंगी, ये ट्रांस की ज़्यादा होंगी। तो ये ध्यान रखना स्पेशल केस था, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, नेक्स्ट आप ले रहे हैं जैसे अगर हमने लिया एग्जांपल, अब इसमें थोड़ा सा ऑर्निंग कंपाउंड्स में चेक कर सकते हैं इसको, वो भी देखेंगे एक बार। ऑर्निंग कंपाउंड्स में लिया सपोज ये ग्रुप जो होता है सीएल लगा है, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट पोजीशन को क्या बोलते हैं ऑर्थो, इस ग्रुप में एडजेसेंट पोजीशन को क्या बोलते हैं ऑर्थो, इसी ग्रुप में इस सीएल के रिस्पेक्ट में दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज मेटा, और इस पोजीशन को क्या बोलते हैं सीएल के रिस्पेक्ट में, इस सीएल के रिस्पेक्ट में दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज पैरा, मतलब पैरों पे याद रखना है, पैरों पे है तो पैरा इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो इस केस में डायपोलमोमेंट का ऑर्डर क्या होगा, डायपोलमोमेंट का ऑर्डर इसके अंदर सीएल सीएल दोनों हैं, सीएल सीएल है, इसमें आप ध्यान देंगे तो इसमें एंगल बन रहा है इस तरीके से, पॉजिटिव से नेगेटिव ऊपर की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव इधर की तरफ। तो अगर मैं इसको दोनों को ज्वाइन करूं वेक्टर्स को, इन दोनों वेक्टर्स को ज्वाइन करें तो इस तरह से कुछ आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको ज्वाइन करके देखें, ये ज्वाइन किया मैंने इधर, ये ज्वाइन किया इधर, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 60 डिग्री एंगल है। डाइपोल मोमेंट का अगर हम फॉर्मूला चेक करें तो फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा 60। ये वेक्टर्स का फॉर्मूला है, ये ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स का फॉर्मूला है। तो इसमें क्या कहते हैं डायरेक्शन ये आ जाएगी, कॉस 60 आ जाएगा, 60 आते ही कॉस 60 हमें पता है कि क्या कहते हैं हाफ होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x square plus 2x square, x square 3x, √3x आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको सारी, ये सी सी एल बॉन्ड है तो इसी डायपोल मोमेंट x मान ली, इसकी भी अगर x मान ली तो म्यू जो आ जाएगा x square plus 2x square into half plus √3x √3 आ जाएगा, ये √3। तो इसको मैं ऐसे निकाल देता हूँ डिवाई के अंदर, ये ऐसे आ जाएगा। और नेक्स्ट में एंगल देखेंगे तो 120 डिग्री का एंगल है, नेक्स्ट में एंगल अगर चेक करें तो ये एंगल आ रहा है हमारा 120 डिग्री का, ये ज्वाइन करके देख सकते हैं इसको, ये नीचे गया, ये नीचे जाएगा, ये नीचे की तरफ गया और ये इधर, तो ये एंगल कितना आ रहा है 120 का, डायरेक्शन ये भी ऊपर है ये भी इधर है, डायरेक्शन ऊपर और इसकी डायरेक्शन बाहर, 120 का एंगल आ रहा है। तो इसमें बस कॉस 120 आ जाएगा, कॉस 120 आ जाएगा। तो इसको अगर हम चेक करें, इसको इधर ही चेक करते हैं, नेक्स्ट पेज पे मैं नहीं कर रहा हूँ, इसमें कॉस 120 आ जाएगा तो म्यू हमारा आ जाएगा, म्यू आ जाएगा यहाँ पे x square plus x square, सी सी एल बॉन्ड की तो x सी डायपोल मान रखी है मैंने, इधर भी x होगी तो x square plus x square plus 2 म्यू 1 म्यू 2 cos 120 आएगा, इसमें क्या आएगा cos 120, ये आ जाएगा x square plus x square plus 2x square cos 120। cos 120 है तो cos 120 होता है माइनस हाफ, cos 120 होता है माइनस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसको, cos 120 माइनस हाफ है तो ये हमारा आ जाएगा सीधा x, ये कितना आ जाएगा x, ये x आ गया। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि जो डाइपोल मोमेंट, दिस इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की जो डाइपोल मोमेंट है वही डाइपोल मोमेंट इसकी आएगी, वही डाइपोल मोमेंट किसकी आ जाएगी, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन की, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है ये, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन की और क्लोरोबेंजीन की डाइपोल मोमेंट क्या होंगी सेम होगी, ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब ये वाला केस जो है थर्ड केस में डायरेक्शन आएगी ऊपर की तरफ, थर्ड केस में डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगी ये, और इसमें आएगी इधर नीचे की तरफ, तो म्यू क्या आ जाएगा इसका, ऊपर नीचे है तो म्यू आ गया सीधा जीरो इसका, क्योंकि इसमें हम कॉस 180 पुट करेंगे, यहाँ क्या पुट कर देंगे कॉस 180, और कॉस 180 क्या होता है माइनस वन होता है, इसलिए डायपोलमोमेंट क्या आ जाएगी इसकी जीरो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था, ऑर्थो की डायपोलमोमेंट ज़्यादा होती है फिर मेटा की फिर पैरा की, ध्यान रखना अगर दोनों ग्रुप सिमिलर हैं, दोनों ग्रुप सिमिलर हैं सी एल सी एल, ये ऑर्थो ग्रुप है ऑर्थो ORTHO, ये मेटा है अगर इसके रिस्पेक्ट में थर्ड पोजीशन मेटा META, और इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन पैरा होती है, तो अगर दोनों सिमिलर ग्रुप्स हैं तो हमेशा ऑर्थो की डायपोलमोमेंट ज़्यादा होगी फिर मेटा की फिर पैरा की, ये याद रख लेंगे ऑर्थो फिर मेटा फिर पैरा, ठीक है ना, ऑर्थो मेटा पैरा। नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे जैसे अगर मैं ये ले लेता हूँ, इसमें C
CH3, ये मेटाजाइलिन है, ऑर्थोजाइलिन है, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन और ये पैरा, ये पैरा पैराजाइलिन। तो इसमें अगर निकालना है ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन, इसमें भी आंसर क्या आ जाएगा, सेम वही चीज़ है। इसमें एंगल कितना है, ज्वाइन कर देंगे सेंटर से 60 का, इसमें एंगल कितना है 120 का, इसमें एंगल कितना है 180 का। तो इसमें डाइपोल मोमेंट किसकी ज़्यादा होगी, ऑर्थो वाले की, फिर मेटा वाले की, फिर पैरा वाले की। सोचा ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है। नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट अगर आ जाता है ये ग्रुप, अब पूछा इसके अंदर इनमें से कौन सा पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है। सी एन ले लिया, सी एन ले लिया, सपोज सी एन, सी एन, सी एल, सी एल, सी एन, सी एच थ्री, ओ एच, ओ एच, सी ओ एच, सी ओ एच, और इसमें ले लिया हमने सपोज एस एच, एस एच। इसमें बोला कि कौन सा पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं, ध्यान देंगे। सी एन, सी एन, सी एन, सी एन वाला करके इसलिए, तो सी एन, सी एन वाला केस क्या आ जाएगा, पोलर की नॉन पोलर, इसमें आ जाएगा हमारा ये सी एन, सी एन वाला आ जाएगा नॉन पोलर। कैसे, अब ध्यान देंगे इसमें। सी एन, सी एन अगर है, सी एन, सी एन, अगर सी एन, सी एन में लूँ इसमें, तो ये आ जाएगा हमारा सी, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, एस पी हाइब्रिडाइजेशन है इसकी, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, तो एस पी हाइब्रिडाइजेशन होगी, ऊपर भी सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, तो ये डायरेक्शन ऊपर, ये डायरेक्शन नीचे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो म्यू जीरो है इसका, नॉन पोलर है ये, म्यू जीरो नॉन पोलर। सी एल, सी एल, इसमें तो डायरेक्शन ऊपर, डायरेक्शन नीचे, तो क्या होगा ये, ये क्या होगा, नॉन पोलर। सी एन और सी एच थ्री, सी एन तो इलेक्ट्रॉन खींचता है बहुत, क्योंकि कार्बन इसमें एस पी है, एस पी कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। एन जो है हमारा कहाँ आएगा, एन आएगा यहाँ लगाएंगे ऊपर की तरफ, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये ऊपर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और ये सी एच थ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, डोनेट करेगा पॉजिटिव नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और कार्बन नाइट्रोजन नेगेटिव, तो ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो इसमें म्यू बहुत ज़्यादा होगा, इसमें म्यू बहुत ज़्यादा। अब इसमें ओ एच, ओ एच वाला केस आ गया, या एस एच, एस एच वाला केस आ गया, ये वाला आ गया केस, तो इसमें लोन पेयर होंगे, इसलिए क्या होंगे, दोनों तीनों केसेस अगर देखें हम, तो इसमें लोन पेयर होंगे तीनों के अंदर, देखेंगे कैसे। जैसे अगर मैंने ले लिया ओ एच, ओ एच, ये ओ एच, ये ओ एच, इधर भी दिखाते हैं, दूसरी साइड भी दिखाते हैं इसमें, तो इसमें डायरेक्शन ये, इसमें डायरेक्शन ये, लोन पेयर की वजह से, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, तो इसलिए कुछ ऐसे आएगा, ऐसे इसमें भी लोन पेयर, यहाँ पे, यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये कैंसिल नहीं हो पाते लोन पेयर की वजह से। अगर इस ओएच को मैं इधर ले लूँ, ऐसे ले लूँ, तो ये कैंसिल हो जाता है, लेकिन हम ओवरऑल मानते हैं कि ये पोलर है, दिस इज पोलर, ध्यान रखना, दिस इज पोलर, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पोलर है ये। ऐसे ही ओ की जगह एस भी ले लेंगे तो भी पोलर, ओ की जगह मैं यहाँ पे अगर एस ले लेता हूँ, यहाँ पे भी अगर एस ले लेता हूँ, तो ये भी पोलर, थायोल ले लें या फिनॉल ले लें, फिनॉल वाला केस ले लें, तो ये पोलर होंगे, बोथ आर पोलर। ऐसी दूसरा एग्जांपल था सी ओ ओ एच वाला, सी ओ ओ एच, तो वो भी क्या आएगा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच सी, तो इसमें भी अगर मैं मानूंगा तो मैं पोलर ही बोलूंगा इसको भी, ध्यान रखना, इसमें भी कैंसिल नहीं होगा डायप्लोमेट, ये इस तरीके से। तो इसमें भी डायरेक्शन ऐसे है, ये ऐसे है, और ओ एच की भी डायप्लोमेट होगी इस साइड डायरेक्शन में, तो ये भी इस डायरेक्शन में होगा कुछ, तो ये क्या आएगा, ये कैंसिल नहीं हो पाएंगे पूरे, तो ये भी पोलर है, दिस इज ऑल्सो पोलर, ये भी क्या आएगा, पोलर आएगा, तो ये ध्यान रखना इस चीज़ का, ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। सी ओ सी एस थ्री आ जाए, सी ओ सी एस थ्री आ जाए, तो वो भी क्या होगा, पोलर काउंट होगा, इट विल बी काउंटेड एज पोलर। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे एग्जांपल, सपोज
सपोज मैंने इसमें एग्जांपल ले लिया, अब जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, एक विड्रॉइंग ग्रुप और एक डोनेटिंग ले लिया, अब ClCH3, दूसरा ClCH3, तीसरा ClCH3। अब इस केस में डाइपोल मोमेंट किसकी ज़्यादा होगी, ये पूछा इस केस में डाइपोल मोमेंट किसकी ज़्यादा होगी, तो इधर ध्यान देंगे तो इसमें क्या डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर रहेगा वो ध्यान देंगे, इसमें इसमें डायरेक्शन कहाँ है ऊपर की तरफ, और ये क्या होगा CH3 पॉजिटिव होगा तो नीचे की तरफ, तो इसके वैक्टर्स ऐसे जाएंगे, ये इधर और ये इधर ऐसे जाएगा, तो एंगल ये वाला काउंट होगा, दिस एंगल विल बी, ये 60 था तो ये कितना आ जाएगा, ये 60 है तो ये कितना आएगा 120 का एंगल, ये 120 का एंगल है, और इस केस में ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये इधर की तरफ जा रहा है, तो नेट जो है 60 डिग्री एंगल आएगा, ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 60 का, ये 60 का एंगल आ जाएगा, और इसमें ये ऊपर की तरफ है और ये भी ऊपर की तरफ है, दोनों सेम, तो एंगल 0 का आ जाएगा, ये ऊपर, तो एंगल कितना आ गया 0 डिग्री का आ गया, 0 डिग्री का। अब म्यू अगर फॉर्मूला लगाते हैं हम इसका, cos थीटा, तो इसके अंदर दिख रहा है कि cos में अगर एंगल बढ़ेगा तो क्या होगा, cos 0 क्या होता है 1 होता है, cos 60 क्या होता है हाफ, वैल्यू कम हो रही है कि नहीं है, वैल्यू कम हो रही है, cos 0 1, cos 90 0, तो इसलिए जो cos में जब थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है, एक्चुअल में वैल्यू कम हो जाएगी, यानी सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी रहेगी, कॉस में अगर थीटा बढ़ेगा तो वैल्यू कम हो जाएगी, सबसे ज़्यादा वैल्यू रहेगी, पहले ऑर्थो वाला सबसे ज़्यादा था, अब इसमें पैरा वाला, क्योंकि डायरेक्शन भी दोनों की सेम दिखी रही है हमें, तो इसलिए आंसर ये आएगा डायपोल मोमेंट का, दिस विल बी द आंसर, इसमें पैरा वाला ज़्यादा होगा, ध्यान रखना अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इफ बोथ द ग्रुप्स आर डिफरेंट, एक डोनेट कर रहा है, एक पॉजिटिव है और दूसरा जो खींच रहा है वो नेगेटिव है, एक डोनेट कर रहा है और एक विड्रॉ कर रहा है, अगर ग्रुप्स ऐसे हैं तो पैरा सबसे ज़्यादा, फिर मेटा, फिर ऑर्थो, उल्टा हो जाता आंसर, हालांकि होंगे सब तीनों ही पोलर, पैरा फिर मेटा फिर ऑर्थो, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट अगर आता है नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, सपोज इसमें से बताना कि डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा, इस तरह से कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आराम से कर लेंगे। Cl तो इसमें हमें बताना है, सपोज व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होगा इसके अंदर, तो ध्यान देंगे। अब इसमें ये दोनों देखा जाए तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे, ये दोनों कैंसिल, तो क्लोरोबेंजीन के बराबर होगी। अगर CCl बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट x मान रहे हैं हम, CCl बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट क्या मान रहे हैं, ये वाला ले रहा हूँ केस, CCl बॉन्ड जो है इसकी डाइपोल मोमेंट x मान रहा हूँ मैं, तो x से कंपेरिजन करना है, इसकी x है डाइपोल मोमेंट तो इसकी भी क्या रहेगी, x ही रहेगी, क्योंकि दोनों कैंसिल, ये x हो जाएगी। इसमें क्या होगा, इसमें नेट जीरो हो जाएगी डाइपोल मोमेंट, कैसे कि ये इधर नेट डायरेक्शन इधर आएगी, ये ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसका भी म्यू जीरो क्या होगा, इसका जीरो होगा। ऐसे इसके अंदर ये और ये कैंसिल, ऊपर और नीचे कैंसिल, तो म्यू उसका भी क्या होगा, जीरो होगा। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा ये कैंसिल ये वाला ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों कैंसिल, ये वाला कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएंगे, तो इसे इसका डबल क्या आएगा, एक्स के इक्वल। इस केस में क्या होगा, इस केस में ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, और ये मेटा वाला केस आ गया। मेटा वाला केस तो म्यू उसका क्या आता है, एक्स, अभी मैं बताया था एंगल 120 का होता है पीछे, मेटा वाले का केस और क्लोरोबेंजीन का केस दोनों सेम रहते हैं, तो इसका भी म्यू एक्स आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम अरेंज कर सकते हैं डायपोल मोमेंट। इस टाइप से हम किसी भी डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। तो ये अभी कुछ और क्वेश्चन हैं इसके, यहाँ तक अभी कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम अभी करेंगे। ओके, थैंक्स।